Hello everyone. Hello everyone. Good afternoon to all of you. Hello chef, hello. Good afternoon to all of you. Welcome you to all Amul page, Amul Facebook page. Hello Nidhaji, hello. Good afternoon, Amishi. Welcome you to all Amul Facebook page. I'm Ruchi Saxena, founder of RJS Culinary, Mumbai, Maharashtra, and welcome you to all Amul Facebook page. जी मैं बता रही हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ. आज मैं कोई इनोवेटिव रेसिपी नहीं बना रही हूँ. एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो स्ट्रीट फूड है. बेसिकली जामनगर का ये स्ट्रीट फूड है. मैं जस्ट गई थी तो मैंने इस रेसिपी को वहाँ पर टेस्ट किया था. सो वही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ. जी मैं आज बना रही हूँ घुघरा, जो कि हरे मटर, विंटर्स में हरे मटर के साथ में बनता है. ये एक तरीके से सेवरी गुजिया है और उसे मैं यहाँ पर चाट में कन्वर्ट करने वाली हूँ. बस इतना ही सा डिफरेंस है. बाकी रेसिपी जो है वो ट्रेडिशनल रेसिपी है. तो चलिए फिर शुरू करते हैं घुघरा चाट बनाना. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल अमूल टीम, अभिषेक जी एंड खुशबू जी. यहाँ पर सबसे पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि इंग्रेडिएंट हम घुघरा चाट के लिए इंग्रेडिएंट क्या लेने वाले हैं. ये है हमारे पास विंटर स्पेशल मटर. बहुत अच्छी मटर आती है विंटर्स में, तो हर घर में अवेलेबल रहती है. तो कौन रेसिपी कुछ ऐसी ही है कि घर में जो बहुत आसानी से निकल जाए सामान, उससे क्या बनाया जाए, आपके गेस्ट आ जाए या फिर आपको. ओके श्योर नीरज जी. तो बस इसी को ही ध्यान में रखते हुए कि इंस्टेंट कौन सी ऐसी रेसिपी है जो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़े और फटाफट से आपका एक चाट या फिर एक नाश्ता तैयार हो जाए. तो गुजिया, मीठी गुजिया ऑलमोस्ट सभी लोग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेवरी में जो है गुजिया बनेगी, गुजिया का शेप में बनेगा, उसे घुघरा ही कहते हैं. तो देख लेते हैं सबसे पहले इंग्रीडियंट, उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर ली है मैंने ग्रीन मटर. ये ग्रीन पीस जो है ये मैंने बॉईल करके और उसे अच्छी तरीके से मैश कर लिया, जो कि ये है हमारे पास. साथ में इसमें जाएगा बॉईल पोटैटो बेस के लिए, क्योंकि अगर मटर ऐसे ड्राई होती है जब हम उसको फिल करेंगे तो वो बिखरने लगेगी. तो थोड़ी सी हमें इसको बाइंडिंग देनी है, जस्ट लाइक अ समोसा फिलिंग जैसे होती है ना, वो टेक्सचर देना है, क्योंकि हम इसमें यूपी का भी टेक्सचर देने वाले हैं, टेस्ट देने वाले हैं. तो यहाँ पे मैंने लिया है ये बारीक सेव, चॉप्ड अनियन, कुछ गार्निश के लिए लीव्स ली हुई है, मिंट लीव्स एंड कोरिएंडर लीव्स, चॉप्ड टमेटो, खट्टी मीठी और तीखी गार्लिक की चटनी ली हुई है मैंने. ये गार्लिक की चटनी है. ये है हमारे पास खजूर की चटनी और साथ में है ये आंवला टोमेटो के साथ में मिली हुई ग्रीन चटनी. आप ग्रीन चटनी मिंट की भी ले सकते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल थी तो फिर मैंने ले ली. और यहाँ पर उसको घुघरा चाट को और टेस्टी बनाने के लिए मैंने लिया है अमूल का ये एकदम गाढ़ा दही, जिसमें मैंने एक चम्मच चीनी के साथ में इसे प्रिपेयर किया है. साथ में कुछ स्पाइसेस जाएंगे और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट जाएगा. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. और इससे पहले हमें लगाना है एक डो.
तो डो बनाने के लिए सबसे पहले डो बना के रख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा। आप अगर व्हीट के साथ में बनाना चाहते हैं तो आप व्हीट फ्लावर के साथ भी इसे बना सकते हैं। अब मैं इसमें ले रही हूँ थोड़ा सा नमक। यहाँ पे सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो थोड़ा नमक ध्यान से रखेंगे, क्योंकि फिलिंग में भी नमक हमारा जाएगा और चाट के ऊपर भी स्पाइसेस जाएंगे। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अमूल का टेस्टी बटर। यहाँ पे मोइन जो है उसे खस्ता बनाने के लिए मैंने ऐड किया है 1 कप मैदा। 1 कप मैदे में मैंने सॉल्ट लिया है 1/2 टीस्पून और साथ में 1 बड़ा चम्मच बटर, जो कि घुघरा की जो आउटर लेयर है उसे क्रिस्पी बनाएगा, खस्ता बनाएगा। जिस तरीके से खस्ते या पूरी में मोइन दिया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर अमूल के बटर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये जो आउटर लेयर है वो और भी टेस्टी बनेगी। तो अभी तक अगर आपने सिर्फ बेकिंग में अमूल बटर का यूज़ किया है या फिर किसी सेवरी में या समोसे की आउटर लेयर में नहीं किया है तो ये करके देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। थोड़ी सी इसकी बाइंडिंग कम लग रही है, थोड़ा सा बटर और लेंगे। डो को रेस्ट करने के लिए रखना है इसलिए पहले डो लगा कर रख देंगे। हेलो रंजना जी, सभी स्टेप उसी तरीके से फॉलो करना है जैसे हम गुजिया बनाने के लिए करते हैं। गुजिया का डो लगाते हैं, अच्छा मोइन देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। ये देखिए हमारे पास बिल्कुल एक खस्ता आटा तैयार हो चुका है और अब हम इसको इसका हम एक मीडियम सॉफ्ट डो लगाएंगे। फेस्टिव स्पेशल रेसिपी है और विंटर स्पेशल भी बोल सकते हैं, विंटर स्पेशल भी है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट जो है वो विंटर स्पेशल ही गए हुए हैं। अमूल के बटर कर्ड के साथ में ये रेसिपी और भी टेस्टी बनकर रेडी होती है। ये हमारा बहुत ज़्यादा नीड नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसे रोल करें तो हल्का सा उसमें जो है क्रैक्स आना चाहिए, हमें ऐसा टेक्सचर चाहिए जिस तरीके से कचौड़ियों का होता है ऊपर का टेक्सचर। ये देखिए डो रेडी हो गया है, हम इसे कवर करेंगे और इसे जब तक साइड में रखेंगे फिलिंग रेडी कर लेंगे। चलिए भी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने पोटैटो लिए हैं, पोटैटो को पहले मैश कर लेंगे। ग्रीन पीस को ऑलरेडी मैंने मैश करके लिया हुआ है, पोटैटो को भी मैश कर लेंगे। चलिए ये भी रेडी है।
जी रंजना जी, मैदे की जगह पे आप आटा ले सकते हैं, बिल्कुल मल्टीग्रेन से बनाना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। वीट फ्लार और मल्टीग्रेन फ्लार को मिक्स करके लीजिए, और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप उसे फ्राई करने की जगह पर बेक कर सकते हैं, और उसके बाद उसको जिस तरीके से मैं यहाँ पर चाट की सर्विंग में दिखाऊंगी, आप एग्जैक्टली वैसे सर्व कर सकते हैं। किसी भी रेसिपी का प्रोसेस जानना जरूरी होता है, बाकी टेस्ट खुद पर डिपेंड होता है कि खुद को कैसा पसंद है और हमें कैसा चाहिए। वेलकम रंजना जी, वेलकम। और भी कोई क्वेरीज हो आप लोग को तो आप जरूर पूछिएगा। तो यहाँ पे जो फिलिंग है उसे भी हम बनाने वाले हैं डेलिशियस से अमूल के बटर के साथ में। पैन बहुत ज्यादा हीट पहले नहीं, पैन को बहुत ज्यादा हीट नहीं करें, नहीं तो बटर आपका जलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और मैं यहाँ पर इसके साथ में कुछ भी वेजिटेबल ऑयल ऐड नहीं कर रही हूँ। ये हमारा गया 2 टेबल स्पून अमूल बटर। बटर को जस्ट मेल्ट करेंगे और उसके बाद हम इसमें टेम्परिंग के लिए स्पाइस ऐड करेंगे। चलिए कुछ मसाले ले लेते हैं। इज इट क्लियर ना? प्लीज गिव थम्स अप कि आपको क्लियर है सारी चीजें। तो हम यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। साथ में मैंने ये बनाकर लिया है जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट, इसे हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी है जिससे जो बटर है वो जलने नहीं पाए, और अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन। अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे कुक करेंगे, बस ही जैसे ही ट्रांसलूसेंट हो जाएगा उसके आगे हम अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। क्योंकि अनियन की अपनी एक मिठास है, वो अगर ज्यादा ज्यादा अगर आप कुक कर देंगे तो उसका टेस्ट जो है वो कुछ कम अच्छा रह जाता है। और हर एक रेसिपी पे अलग अलग स्टेज चाहिए होती है कि आपको वहाँ पर कैसा रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू रेसिपी। सॉरी, काफी अच्छी अरोमा आ रही है और चिली का जो तीखापन है वो भी लग रहा है। यहाँ पर अब थोड़ा सा हम ऐड कर रहे हैं
वन टीस्पून टर्मरिक पाउडर, जिससे जो फिलिंग का कलर है वो भी अच्छा आएगा। और अब मैंने यहाँ पर जो बॉयल पोटैटो लिए थे हम वो ऐड कर देंगे मैश करके। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारे पास है ये जो ग्रीन पीस बॉयल की हुई मैश की हुई, इसे भी हम साथ में मिला देंगे। सभी मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, सौते कर लेना है। पटेटो की वजह से इसमें बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे पटेटो ये पाउडर स्पाइसेस, जिसमें हम लेने वाले हैं सॉल्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, चिली पाउडर, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, साथ में जाएगा गरम मसाला। फिलिंग को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे चाट मसाला। हल्की सी खटास चाट में अच्छी लगती है, बस उसे ऐड करेंगे। हेलो मुस्कान जी, हेलो कंचन जी, हेलो एवरीवन। तो जब कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बनाया जाए तो इस रेसिपी को जरूर बनाकर ट्राई करिएगा। इसी तरीके से और भी रेसिपीज फॉलो करने के लिए फेसबुक पेज आरजीएस कलनरी को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल आरजीएस कलनरी बाई शेफ रुचि सक्सेना। वहाँ पर अगर आपको रेसिपीज पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको और भी अच्छी रेसिपीज देखने का मौका मिले। अदरवाइज अगर रेसिपी पसंद नहीं आती तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप सब्सक्राइब करें। चलिए थोड़ा सा फिलिंग को टेस्ट कर लेते हैं कि सारे स्पाइसेस बैलेंस हैं कि नहीं। थैंक यू उषा जी, थैंक, हाय शालिनी जी, फिलिंग बहुत टेस्टी बनकर रेडी हुई है। तो गैस की फ्लेम अब ऑफ कर देते हैं। एक तरफ फिलिंग रेडी हो गई है, इसे अब हम साइड कर देते हैं और हमारा डो भी प्रिपेयर हो गया है। यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल। जब तक हम घुघरा को रोल करेंगे तब तक हम अपना ऑयल गरम करने के लिए यहाँ पर रख देते हैं। एक तरफ ऑयल गरम हो रहा है
और दूसरी तरफ हमारे पास डो भी बिल्कुल 10 मिनट हो चुके हैं, रेस्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर ये देखिए कितना सॉफ्ट डो, 10 मिनट के बाद आप इसे थोड़ा सा नीट कर लें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे अब मैं इसकी छोटे छोटे से बॉल्स बना लूंगी। यहाँ पर 1 कप फ्लार जो मैंने लिया था, फ्लार 1 कप फ्लार के साथ में 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया था, क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्टेड बटर डालने वाले थे, इसलिए सॉल्ट का ध्यान रखेंगे। फिलिंग में भी सॉल्ट है, आउटर लेयर में भी सॉल्ट है, और जो हम ऊपर से स्पाइसेस वगैरह यूज़ करेंगे चाट मसाला उसमें भी सॉल्ट रहेगा, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल में। यहाँ पर 1 कप फ्लार में 10 बॉल हमारे बनकर रेडी हुए हैं। हमारे पास है ड्राई फ्लावर, तो हम इसे एक एक करके रोल करना शुरू करेंगे। जिस तरीके से गुजिया के लिए प्रिपेयर करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर 3 से 4 पहले बना लेती हूँ, जिससे रेसिपी कंप्लीट हो सके और प्रेजेंटेशन तक हो सके। उसी तरफ मैंने ऑयल चढ़ा दिया है। फिलिंग बनाने के लिए मैंने ग्रीन पीस बॉईल किए हुए लिए थे, रेसिपी मैं रिपीट कर दे रही हूँ। सबसे पहले पैन में हम का बटर लेंगे, बटर बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हम उसमें तुरंत जीरा ऐड करेंगे। जीरा ऐड करने के बाद में जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट ऐड करेंगे। 1-2 सेकेंड उसे हम सौते करेंगे और उसके बाद चॉप्ड ऑनियन डालेंगे। चॉप्ड ऑनियन जैसे ही हमारी हल्की गुलाबी हो जाएगी उसे हम टर्मरिक ऐड करेंगे। टर्मरिक के बाद में हम उसमें जो मैंने बॉइल पोटैटोज लिए हुए थे मैश करके वो ऐड किया है। बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं है आज की रेसिपी में, नहीं तो मैं ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ इनोवेशन रहता है, आज नहीं है क्योंकि ट्रेडिशनल रेसिपी है, एक स्ट्रीट फूड की रेसिपी है जो बेसिकली जैसा टेस्ट है वैसा ही रहेगा। उसके बाद जो बॉयल की हुई मैंने ग्रीन पीस ली थी वो ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने
अच्छे से सभी मिक्सचर को मिक्स करेंगे। पाउडर स्पाइसेस के लिए टर्मरिक सॉरी रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट एंड गरम मसाला चाट मसाला। कोई भी खाना अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है कि आप जब बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डालेंगे आपका खाना तब भी बहुत अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं है। कम से कम मसाले और तेल के साथ में आप बहुत अच्छी रेसिपीज बना सकते हैं। तो हमारी यहाँ पर फिलिंग भी रेडी है और ये जो हमारा कवर है वो भी रेडी है। उसी तरफ ऑयल हो रहा है तो हम यहाँ पर सबसे पहले साइड में पानी लगाएंगे। इस तरीके से साइड्स को पैक कर देंगे। पानी लगाना बिल्कुल नहीं भूलें, नहीं तो ये सील नहीं होगी। थोड़ा सा पानी हम एक बार साइड में और लगा लेंगे जिससे ये एजेज है इसकी वो ओपन नहीं होने पाए। और हम इसे एक कॉर्नर से ऐसे पकड़ेंगे जिस तरीके से गुजिया फोल्ड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, घोटने वाली गुजिया बोलते हैं जिसे, बस बिल्कुल उसी तरीके से इसको घोटते जाएंगे। ये लीजिए एक तैयार हो गया। इसी तरीके से हम और भी फिल कर लेते हैं। थैंक यू उषा जी, थैंक यू रंजना जी। ऑयल को मीडियम हॉट ही गर्म करें, नहीं तो आप जैसे डालेंगे आपका आउटर लेयर जल्दी से वो पक जाएगा और अंदर से जो है वो कच्ची रह जाएगी। तो अभी मैंने फ्लेम की जो नंबर है वो कम कर दिए हैं। तो यहाँ पर गुजिया भी बन गई सेवरी में, एक चाट की रेसिपी भी हो जाएगी, मतलब कई चीज एक साथ आप अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। जो इसका बेस है डो लगाने के लिए मैं इसमें सिर्फ मैदा लिया है और सॉल्ट ऐड किया है, अमूल का बटर ऐड किया है और पानी के साथ में एक मीडियम सॉफ्ट डो रेडी किया है। बस वेजिटेबल ऑयल और उसकी जगह पर नॉर्मल ऑयल जो भी यूज कर रहे हैं उसकी जगह पर मैंने यहाँ पर बटर यूज किया है और बटर के साथ आप भी बनाकर देखें, बहुत टेस्टी बनता है। शेप अगर आप कुछ और देना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड से शेप दे सकते हैं। फोक से सील कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट और बस भर लेते हैं इसे। जी मुस्कान जी, आज ये बन रही है घुघरा चाट, क्योंकि ये घुघरा जो है वो जामनगर का फेमस एक स्ट्रीट फूड है जो कि सेवरी गुजिया है, हरे मटर के साथ में इसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो बेस लिया है
वो हरे मटर के साथ में दो पोटैटो का भी इस्तेमाल किया है, साथ में कुछ पाउडर स्पाइसेस गए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड चॉप्ड अनियन। ऑलमोस्ट ये सारी फिलिंग डन हो चुकी है। चलिए अब इसे फटाफट से एक एक करके फ्राई कर लेते हैं। मैंने इसे फ्राई करने के लिए डाल दिया है, वैसे दोनों तरफ से मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे। थैंक यू मुस्कान जी, थैंक यू। तो यहाँ पर अगर आप बेस में मैदे की जगह पर व्हीट फ्लार लेना चाहते हैं तो आप व्हीट फ्लार ले सकते हैं। वीट फ्लार और मल्टीग्रेन में अगर बनाना चाहते हैं तो आप वीट फ्लार और मल्टीग्रेन का जो रेशियो है वो हाफ हाफ कर दीजिए, और इस तरीके से फ्राई करने की जगह अगर आप बेक करना चाहते हैं तो उस पर अमूल के बटर को अप्लाई करिए, ब्रश करिए, और उसके बाद बेकिंग के लिए 180 डिग्री पर कम से कम 35 to 40 minutes के लिए आप उसे रख दीजिए। और उसके बाद जैसे मैं इसे चाट की सर्विंग में दिखाऊंगी, आप उसे हेल्दी चाट की वजन में सर्व कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि एक रेसिपी के साथ आपको कई कई तरीके से बता सकूं। कभी कभी कोई कोई रेसिपीज ऐसी होती हैं जो हेल्दी खाने में मज़ा नहीं आता है, जो जैसी एज इट इज होती हैं वो वैसे ही अच्छी लगती है, लाइक चाट वगैरह जो है वो। फ्राइड जो भी आइटम है वो कभी कभी के लिए अच्छे हैं, बट रेगुलर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। दोनों तरफ से इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है, और धीमी आंच पे अगर आप बनाएंगे तो ये अच्छी खस्ता बनेगी। मोइन डालने के टाइम पे याद रखें मोइन किस तरह से देना है, आप बटर इतना डालना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और उसके बाद आपको बाइंड करके देखना है। अगर आपका हाथ में एक लड्डू जैसा बन रहा है तो फिर आपका जो डो का जो मिक्सचर है वो आपका खस्ता बनने वाला है।
थैंक यू सुजीत जी, थैंक यू एवरीवन। बस जैसे ही ये डन होगी, इसकी चार्ट हम कैसे बनाएंगे, अगर आप होली आने वाली है, होली में अगर मीठी गुजिया खा के बोर हो गए तो आप अपने गेस्ट को इस तरीके से सेवरी गुजिया बना के सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गैस की जो फ्लेम है वो बढ़ा दी है। जी हाँ मुस्कान जी, गुजिया चाट बोल सकते हैं। घुघरा बेसिकली गुजिया ही होती है, क्योंकि ये गुजराती रेसिपी है इसलिए इसे घुघरा कहते हैं। और यूपी में जो घुघरा हरे मटर के साथ बनाया जाता है घुघरी, वो हरे मटर को तड़का देकर और उसमें कुछ स्पाइसेस और चाट मसाले के साथ में तैयार करते हैं, वहां पर उसे घुघरा कहते हैं। आपने पापड़ी चाट एंड ऑल बहुत सारी चाट की रेसिपीज कई बार बनाई होगी, लेकिन गुजिया चाट एक बार ये भी बनाकर जरूर ट्राई करिए। फिलिंग की बात करें, यहाँ पर मैंने ग्रीन पीस की फिलिंग ली हुई है पटेटो के साथ में। बेसिकली आप सेवरी में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई फिलिंग चेंज करना चाहते हैं इनकेस तो आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट में अभी ये डन होने वाली है, के बाद हम सर्विंग करेंगे। बिल्कुल आ जाइए खाने के लिए, रेडी हो गया है। ये देखिए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, और इससे ज्यादा इसका कलर नहीं करें, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। चाट है तो चाट के चटपटे मसाले भी होने चाहिए।
चलिए चाट के चटपटे मसालों के संग में इसकी गार्निशिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ली है थोड़ी सी फिलिंग, क्योंकि मालूम होना चाहिए अंदर क्या है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग थोड़ा सा ये सेव लेंगे बारीक सेव। ये यहाँ पर मैंने एक साथ एक प्लेटिंग करी है, अब हम यहाँ पर दूसरी प्लेटिंग करेंगे जो कि बाकी के सारी चटनी के साथ में करेंगे, जो सिंगल सर्विंग में जाएगा। यहाँ पे लिए मैंने ये खजूर की चटनी, जितनी साइज की आपकी भुजिया है आप उतना बड़े प्लेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हैं। और उससे पहले हम भुजिया में थोड़ा सा होल करेंगे घुघरा में, जिससे जितने भी चटनियां हैं वो इसके अंदर इस तरीके से जा सके। अब हमारे पास है अनियन, मीठी दही, हरी चटनी, लाल चटनी, रेड चिली और चाट, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, पुदीना के पत्ते और धनिया के पत्ते, और अब इसे फाइनल टच देने के लिए मैंने लिया है ये बारीक वाली सेव।
ये देखिए घुघरा चाट बिल्कुल, घुघरा चाट यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गई है। ये यहाँ पर मैंने ड्राई सर्विंग करी हुई है जिससे ये सौगी नहीं होने पाए, क्योंकि जैसे ही जितनी सर्विंग करनी है आप उतना ही तुरंत रेडी करें, एक साथ सब करके रख देंगे तो सौगी हो जाएगी, खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। कोई भी चाट क्रिस्पी अच्छी लगती है। और साथ में मैं इसमें, साथ में अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जिससे इसका स्वाद और भी इस तरीके से, कैची नट, किशमिश एंड ऑल कुछ भी आप अपनी पसंद से ऐड करें। तो ये देखिए दोनों प्लेटर हमारे यहाँ पर अमूल के बटर और कर्ड के साथ में रेडी है। आई होप गाइस कि आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी और ये एक फेस्टिवल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है कि क्या चीज़ डिफरेंट बनाया जाए। तो बनाकर जरूर ट्राई करिएगा एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स टू ऑल अमूल टीम। रेसिपीज पसंद अगर आती है तो फिर आप आरजीएस कलनरी को फॉलो करें, आरजीएस कलनरी को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मिलती रहूँगी आपसे और भी इनोवेटिव और इसी तरीके से और भी अच्छी रेसिपीज के साथ में। सो बाय बाय एवरीवन।